डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एनिलीन को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। तो डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों, उसको ध्यान से समझिए। डाई एजोनियम सॉल्ट। अब देखो, डाई एजोनियम सॉल्ट आपका होता क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो टाइप के डाई एजोनियम सॉल्ट होंगे बच्चों आपके, N2+Cl-, ये होगा अल्काइल डाई एजोनियम सॉल्ट, और ये आपका क्या होगा बच्चों, C6H5N2+Cl-, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। ये आपका होगा बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। अब मुद्दे की बात ये है बच्चों यहां पर कि ये जो आपका अल्काइल डाई एजोनियम सॉल्ट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, दिस इज नॉट सो स्टेबल, अल्काइल इट इज नॉट सो स्टेबल ड्यू टू द हाई टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या बच्चों, हाई है, मतलब N2+ आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जब ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो ये आपका जल्दी से लीव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट आपका 0 to 5 degree Celsius पे स्टेबल होता है बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन नॉट आइसोलेटेड आर N2+Cl-, वी कैन नॉट आइसोलेटेड आर N2+Cl-, वाई, देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर हम आइसोलेटेड नहीं कर सकते, जैसे मैंने लिया कि आर NH2 की रिएक्शन अगर मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराया तो यहां पर आर N2+ और Cl- बन जाएगा, तुरंत ये आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छा होने की वजह से यहां से लीव करके तो तुरंत अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, ROH में, अल्कोहल में, और यही मैंने आपको अमाइन में बताया था और मैंने इसके बारे में फिर अभी मैंने डिस्कस कर लिया। सो इस कंपाउंड को हम आइसोलेटेड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये आपका तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल में। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब हम डाई एजोनियम सॉल्ट किस तरीके से बनाते हैं, डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने का मैकेनिज्म बच्चों मैंने 2 से 3 बार बता चुका हूँ, आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा कि डाई एजोनियम सॉल्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, काफी इजी है डाई एजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करना बच्चों, देखते हैं। देखो यहां पर मैंने लिया आर एन एच टू की रिएक्शन अगर बच्चों मैंने किसके साथ करा दिया, अगर बच्चों यहां पर मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराया तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपका NaNO2 और HCl आपस में एड होके आपका क्या बना देगा, HNO2। यहां पर मुझे मेरा भी प्रोडक्ट लिखना बाकी है, ठीक है, NaNO2 और यहां पर NaCl बना देगा। अब HNO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, OH मैंने यहां लिख दिया, यहां पर N डबल बॉन्ड O-, और यहां पर मैंने H2O वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहां पर आपका क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, NO2 है ना बच्चों, हाँ ये मैंने NO3 बना दिया था ये इस तरीके से। अब क्या होगा, वाटर अपना H+ इसको देगा, जैसे ही H+ इसको देगा तो यहाँ पर OH2OH2+ बनेगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, अब ये आपका लीव कर जाएगा और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल एज अ नाइट्रोसीलियम आयन, ये आपका क्या बना देगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। नाउ अब आपका यहाँ पर क्या बाहर निकल गया, H2O, अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा बच्चों, ऐसा तो मैंने आपको बताया था, जब ये इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा बच्चों, कई बार मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है, अब आपको मैकेनिज्म खुद से लिखना चाहिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप मैकेनिज्म को कोशिश करना चाहिए आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH, यहाँ पर N,
डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आपका एच, ये आपका प्लस, ठीक है। अब यहां से आपका एच माइनस, ये आपका रिमूव हो जाएगा एच प्लस, तो यहां पर आर एन एच एन डबल बॉन्ड ओ। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा और ये आपका यहां चला जाएगा, यहां पर एच प्लस आपका रिमूव हुआ है। अगले स्टेप में आर एन डबल बॉन्ड एन, ये आपका यहां पर डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर प्लस साइन। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर आपका, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पर इसको ऐसे ना लिख के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा तो ओ एच आपका वहां चला जाएगा, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन, आप देखो यहां पर प्लस साइन हो चुका है, ठीक है, इसको इस तरीके से ना लिख के इसको एक और तरीका बताता हूँ बच्चों, जहां तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक और सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे यहां से एच बाहर निकला तो यह आपका आर एन एच एन ओ बन गया, ठीक है। नाउ अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ गया, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आर एन डबल बॉन्ड, ये आपका प्लस साइन, ये आपका एच, ये आपका एन ओ माइनस। नाउ अब आपका क्या होगा, ये एच आपका यहाँ चला जाएगा, तो एच आपका यहाँ चला गया तो यहाँ से एन डबल बॉन्ड एन ओ एच, इस तरीके का कंपाउंड बन गया। और यहाँ पर फिर अगेन मैंने अटैक करा दिया किसका बच्चों, ओ एच टू प्लस का। अब देखो यहाँ से लोन पेयर आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन ओ एच, जैसे ही लोन पेयर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ये आपका एलिमिनेट होगा, यहाँ पर एच प्लस के साथ अटैक होके, एच प्लस के साथ अटैक होके यहाँ पर ओ एच टू प्लस बनेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। जब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नाउ अब जो सॉल्यूशन में सी एल माइनस बचा है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर आर एन टू प्लस और सी एल माइनस बना देगा। एक और बार इसको समझते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, एच बाहर निकला, एच बाहर निकला तो बॉन्ड का इधर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर प्लस साइन आया। अब ये एच वहां गया तो इसको एसिडिक मीडिया में मैंने डाला तो डाला हुआ था तो यहाँ पर ओ एच टू प्लस आ जाएगा। अब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, बेंजीन नहीं सॉरी, ये आपका डाई एजोनियम सोल्ट बोलेंगे बच्चों, आर होगा तो बेंजीन, ये आर की जगह ए आर भी हो सकता है, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, डाई एजोनियम सोल्ट। इस तरीके से हमने डाई एजोनियम सोल्ट का प्रिपरेशन कर लिया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए आर, अगर मेरे पास ए आर होगा तो ए आर एन टू प्लस सी एल माइनस, अगर मेरे पास आर होगा तो आर एन टू प्लस सी एल माइनस, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको आइसोलेटेड, आर एन टू प्लस को आइसोलेटेड नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर ओ एच में। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला है, यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ये वाटर मॉलिक्यूल तुरंत आपका किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, देखो वाटर मॉलिक्यूल आपका दो दो पॉसिबिलिटी है, ये तो बनेगा ही नहीं तो ये आपका ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल से तुरंत आपका यहाँ पर भी अटैक कर जाएगा, तो या तो आपका ये बन सकता है या फिर आपका यहाँ पर आर ओ एच बन जाएगा, तो इसीलिए इसको आइसोलेटेड करना मुश्किल होगा, तो आइसोलेटेड करना मुश्किल, वैसे तो बनना ये चाहिए लेकिन इसको आइसोलेटेड करना मुश्किल होगा। क्या होगा, एन टू प्लस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो तुरंत आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक कर जाएगा, आर ओ एच बना लेगा, केवल और केवल 1 डिग्री में, मैंने आपको बताया था। नाउ अब हम समझते बच्चों, एक एक करके ध्यान से, एक एक करके ध्यान से समझते बच्चों अब हम, कि यहां पर अब आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे कि केवल और केवल 1 डिग्री ही वाला आपका बनाएगा, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन ही आपका क्या बनाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट या फिर आपका एल्काइल डाई एजोनियम सोल्ट, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एजोनियम सोल्ट का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है।
अब देखो यहां पर आर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम यहां पर अब एरोमेटिक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये आपके दो टाइप के रिएक्शन को शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनयू माइनस, और एक आपका शो करेगा एनयू कपलिंग रिएक्शन। एक आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों? कपलिंग रिएक्शन। अब देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया एन प्लस डबल बॉन्ड एन। अगर ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला अगर रहेगा तो आपका कहाँ अटैक करेगा बच्चों? ये आपका यहाँ अटैक करेगा। अगर ये आपका रहेगा तो ये आपका यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा। ठीक है, तो दोनों में समझ जाना बच्चों। तो यहां पर आपका क्या बनाएगा? यहां पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर आपका किस तरीके से कंपाउंड बनाएगा बच्चों? इस तरीके से एन डबल बॉन्ड एन एनयू, इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। अब कपलिंग रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डाइएजोनियम सॉल्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब एक एक करके ध्यान से आप ही लोग बता सकते हो बच्चों। अब इसमें आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को डील करना है। देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन में एक ही साथ लिख रहा हूं बच्चों, अब मैंने कई बार बता चुका हूं आपको ये। अब देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? H3PO2 के साथ, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बेंजीन में। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? KI के साथ, एसीटोन के, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आयोडो बेंजीन में। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? H2O वार्म में, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये सब मैंने बताया हुआ है बच्चों आपको, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HBF4 या फिर SF6 या फिर PF5 इस तरीके से कंपाउंड के साथ करा दिया, तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन बच्चों CuXHX के साथ करा दिया, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? X बन जाएगा। और यहाँ पर X क्या 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 होगा बच्चों? क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया बच्चों? CuCN के साथ करा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? नाइट्राइल ग्रुप बन जाएगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है, आपको आपको एल्काइल हैलाइड में भी मैंने बताया था। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया बच्चों? ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दिया आपका किसके साथ? यहाँ पर एक और है, यहाँ पर अगर मैंने CH3COOH के साथ भी करवाया, तो भी आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करा दिया, देखो CuHX के साथ, तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा? X। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? गाटरमान रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड में। और ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन केवल और केवल सारा का सारा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N2 हट रहा है, H आ रहा है, यहाँ से H+ आएगा, यहाँ से आई माई, यहाँ से आपका वो, यहाँ से आपका H आपका अटैच होगा, इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आपका क्या बनेगा? आई माइनस। यहाँ पर आपका OH अटैक करेगा, यहाँ पर आपका F- अटैक करेगा, यहाँ पर आपका X-, यहाँ पर आपका CN- और यहाँ पर आपका X-। तो इस तरीके से ये पूरा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डाइएजोनियम सॉल्ट आपका किस तरीके से होगा? एसिडिक मीडिया में बच्चों ये हमेशा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। एसिडिक मीडिया में ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका? देखो यहां से ये आपका बाहर निकलेगा, तो ये तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों एक रिएक्शन और, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आपका आएगा। यहां पर कपलिंग रिएक्शन। अब देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है बच्चों? काफी अच्छा है, देखो काफी अच्छी चीज है। देखो यहां पर आपका N2+
सी एल माइनस, ये आपका कपलिंग रिएक्शन कब शो करेगा? देखो यहां पर ये आपका जी। अब देखो जी को क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है जी की। क्या करेगा जी, जी जी आपका क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होना चाहिए। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अच्छा होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन कौन से अच्छे बच्चों, NH2 OH, ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन को देगा। ठीक है बच्चों, तो कपलिंग रिएक्शन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आपके अच्छे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यहाँ पर अच्छा हो, अच्छा आपका होना चाहिए जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करे। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, ये आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, सॉरी सॉरी गलत बता दिया बच्चों मैंने, यहाँ पर ये आपका कहाँ अटैक करेगा, ये आपका इस एन पर अटैक कर जाएगा। ठीक है देखो यहाँ पर एन टू प्लस को मैं ऐसे ना बना के मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, सोल्ट है, सोल्ट है तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अटैक करेगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, तो आपका कंपाउंड यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन जी बन जाएगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल, कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल, फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो ये मेरे पास बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है, ये मैंने डाई एजोनियम सॉल्ट बना लिया, नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने फिनोल के साथ कराया तो फिनोल के साथ मैं थोड़ा सा बेसिक मीडिया लूंगा, क्या लूंगा बच्चों, बेसिक मीडिया। अब बेसिक मीडिया क्यों लूंगा मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कहाँ अटैक करेगा, देखो बेसिक मीडिया लेने से क्या 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 इसका एडवांटेज है, माइल्ड बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक मीडियम लेने का क्या एडवांटेज है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं माइल्ड बेसिक मीडियम लूंगा वो फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, फिनोल को माइल्ड बेसिक मीडियम इसके एच प्लस को ट्रैक वो ट्रैप करके ये आपको इसको फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब फिनोक्साइड आयन की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये आप अब आपका इजीली अटैक कर जाएगा, कहां पर इजीली अब आपका कहां अटैक कर जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पर अटैक कर जाएगा। जब ये आपका इजीली इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर नहीं, गलत बता दिया, जब ये आपका इजीली इस पॉइंट पर अटैक कर जाएगा अब ये आपका यहां चला जाएगा। ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से डाई एजो कंपाउंड बन जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन, जो कि आपके ऑरेंज कलर का डाई होगा। ठीक है कौन से कलर का डाई होगा बच्चों, ऑरेंज कलर का डाई होगा, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन, ये आपका बना लेगा। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं एक और यहां पर, कि यहां पर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग, यहां पर मैंने माइल्ड लिया है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले लू, इफ वी विल टेक, वी विल टेक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लूं तो क्या होगा, तो यहां पर आपका ये आपका इस तरीके से होगा, और यहां पर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लिया तो यहां पर ये OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ये आपका फिनोक्साइड आयन को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये आपका सीधा यहां अटैक कर जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा इस बार, ये यहां चला जाएगा, तो अब आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके का आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया ले लिया तो। इसीलिए मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया नहीं लेता हूं, मैं कौन सा लेता हूं बच्चों, माइल्ड बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक मीडियम। अब देखो यहां पर अगर बच्चों ध्यान से समझना, जनरली 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 कपलिंग रिएक्शन प्रोसीड, कपलिंग रिएक्शन इज प्रोसीड ऑन पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन, but sometimes
समटाइम्स पैरा पोजिशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड देन कपलिंग रिएक्शन प्रोसीड ऑन ऑर्थो पोजिशन। तो आपका कपलिंग रिएक्शन कहां पर भी प्रोसीड होगा बच्चों? ऑर्थो पोजिशन पर। काफी अच्छी रिएक्शन है, देखते हैं यहां पर। देखो ये इस तरीके से रिएक्शन हो गया, यहां पर एन डबल बॉन्ड एन, ये आपका प्लस। अगर मेरा पे यहां पर देखो, यहां पर अगर मेरा पैरा पोजिशन समाओ अगर मेरा बिजी हो गया, मतलब कोई ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा बच्चों? माइल्ड बेसिक मीडिया में यहाँ पर, अब यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका सी एच थ्री ओ एच, यहाँ पर आपका एन डबल बॉन्ड एन, और इसको मैंने पी एच लिख दिया, ठीक है। इफ अगर मैंने, ध्यान से समझना, अगर मैंने इस कंपाउंड को एक्सिस अमाउंट में ले लिया, ठीक है, एक्सिस अमाउंट में, सेकंड ये फर्स्ट वेरिएशन, इसका सेकंड वेरिएशन, एक्सिस अमाउंट में अगर मैंने डाई एजोनियम सॉल्ट को मैंने ले लिया, तो आपका क्या होगा? ध्यान से समझना, अगर मैंने डाई एजोनियम सॉल्ट को एक्सिस अमाउंट में ले लिया, ठीक है, तो आपका क्या होगा रिएक्शन? ये मैंने एक्सिस अमाउंट में ले लिया, तो आपका माइल्ड बेसिक मीडिया में आपका इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन पी एच, एन डबल बॉन्ड एन पी एच। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिएक्शन है। नाउ बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को अब हम एक और बार समझते हैं ध्यान से, कि इसी में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एक रिएक्शन और हम समझते हैं एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ही आ जाएगा बच्चों ये आपका। इसको मैं अलग से लिखा था, इससे अच्छा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दिया, NH2। इसकी रिएक्शन अगर मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराया, ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बना। अब आप लोग खुद बता सकते हो बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थेनॉल के साथ कराया, अगर मैंने बीटा नेप्थेनॉल इसके साथ कराया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब बताओ बच्चों क्या होगा? देखो इसका पैरा बिजी है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों? यहां पर आपका OH के बगल में क्या लग जाएगा? N डबल बॉन्ड N PH, ये हो जाएगा आपका ऑरेंज कलर का डाई हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज कलर का आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर डाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं बीटा नेप्थेनॉल का कंडीशन लेता हूं तो, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा? रिएक्शन विद एनिलीन। एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी अच्छी रिएक्शन है। देखो यहां पर अगर मैंने बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बना दिया, एन डबल बॉन्ड एन, ये आपका प्लस। नाउ अब मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करा दिया, ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? ये वाला पॉइंट यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब आपका क्या बनेगा बच्चों? ये आपका माइल्ड एसिडिक मीडिया। कौन सा? माइल्ड एसिडिक मीडियम। अब आप पूछो कि माइल्ड एसिडिक मीडियम में हमने क्यों लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर माइल्ड एसिडिक मीडियम में लेने का रीजन भी कुछ तो होगा बच्चों। यहाँ पर NH2, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N PH, तो माइल्ड एसिडिक मीडिया में मैंने क्यों लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर माइल्ड एसिडिक मीडिया लूंगा तो क्या होगा? NH2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NH2 पे तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिडिक मीडिया लूंगा तो यहाँ पर NH4 प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इफ वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया, देन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन आपका H+ के साथ होके एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा,
किसका फॉर्मेशन कर देगा बच्चों? एनिलिनियम आयन का। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन एच प्लस मैंने क्यों लिया, ये कोई बता सकता है बच्चों? एच प्लस मैंने क्यों लिया? अब देखो, जनरली एच प्लस लेने का मतलब आप समझ जाओगे जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया। देखो ध्यान से समझना बच्चों, एन प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया तो यहाँ पर माइल्ड बेसिक माइल्ड एसिडिक लिख देता हूँ, यहाँ पर माइल्ड एच प्लस मीडियम में क्या होगा बच्चों, जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया तो ये यहाँ भी जा सकता है। तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका एन डबल बॉन्ड एन एन एच टू, ये आपका बन जाएगा। नाउ मैंने आपको बताया था यहां पर अगर एच सी एल में हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट, अभी अभी बताया था बच्चों एनिलीन में हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला ग्रुप अपने आप आपका कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस पोजीशन पे। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट के थ्रू बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा। तो हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट में मैं क्या लेता था बच्चों, माइल्ड एसिडिक मीडिया। तो हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट होने की वजह से हमने इस रिएक्शन में माइल्ड एसिडिक मीडिया लिया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लेता तो एनिलिनियम आयन बन जाता। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका होता है ये आपका येल्लो कलर का डाई होता है, ये आपका क्या होता है, येल्लो कलर का आपका डाई होगा। इसको हम नाम क्या बोलेंगे, पेरा एमिनो डाई एजो बेंजिन डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजिन डाई एजोनियम, पेरा एमिनो डाई एजोनियम बेंजिन, क्या बोलेंगे, पेरा एमिनो डाई एजोनियम बेंजिन। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। बेटा इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ कौन अच्छा कपलिंग रिएक्शन देगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ठीक है, अब बताओ बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन कौन देगा? तो यहां पर आपका अगर कौन आपका अच्छे से देगा, तो जो आपका अच्छे से देगा उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप किसके साथ बच्चों, ये जो आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप काउंट करो कौन सबसे अच्छा है, तो यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की टेंडेंसी में थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, इसलिए आपका कपलिंग रिएक्शन ज्यादा अच्छे से देगा। देन आफ्टर फर्स्ट देगा, देन आफ्टर आपका कौन देगा बच्चों, सेकंड देगा, देन आफ्टर आपका कौन देगा बच्चों, फोर्थ देगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो बच्चों, जेई के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन में इधर था बच्चों, दोनों के एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं ना, एन टू प्लस, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया N2+, यहां मैंने लगा दिया NO2। ठीक है, यहां पर मैंने कर दिया N2+, यहां पर मैंने कर दिया OH, यहां पर ये कर दिया। आप बताओ इन यहां पर कपलिंग रिएक्शन आपका कौन फास्ट देगा, ये बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के रेस्पेक्ट में बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट। और जो बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करेगा वो ये है, ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, मतलब N2+
प्लस सीएल माइनस सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ अटैच होना चाहिए। क्यों बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन सबको किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा? ऑल आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कब बनेगा बच्चों? जब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे होगी बच्चों? क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को मुझे बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मुझे लगाना पड़ेगा। जब मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा तो देखते हैं आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों। यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंड। सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर थर्ड। थर्ड के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्थ। और फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट। क्यों? फर्स्ट तो आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस तरीके से आपका इसका ऑर्डर होगा। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जेई में एक दो बार पूछे जा चुके हैं, यही क्वेश्चन पूछा था जेई में बच्चों। तो इसलिए कि आप लोगों को इस सबको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीटली खत्म होता है बच्चों। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसमें रिएक्शन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप रिएक्शन को थोड़ा सा मगअप करने की कोशिश करो। अब हम अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे बच्चों? पॉलीमर, जो कि कल एक या दो लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली कल वो आपका पॉलीमर पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसमें हमको टाइप ऑफ पॉलीमर पढ़ना है और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, देन आफ्टर मुझे एग्जांपल बताने, 22 एग्जांपल है, तो उसको आपको मगअप करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां तक आपके जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो पूरा यहां तक खत्म हो गया है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।